प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस आज के समय में एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। इस संबंध में मैंने पूर्व में भी कई सारे वीडियो पोस्ट किए हैं। एक चीज़ जिसके बारे में सदा मेरे पास क्वेरी आती रहती है वो ये है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को टीबी हो जाए या तो पहले से टीबी हो किसी महिला को और वो गर्भवती हो जाए तो इसका शिशु पर क्या फ़र्क पड़ता है और क्या क्या प्रिकॉशन माँ को लेने ज़रूरी होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके इन सभी सवालों के जवाब दूंगा। इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, आपके मन में जो सवाल उठा है शायद उसका जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाए। हम सभी जानते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस आज के समय में एक इलाज संभव वाली डिजीज़ है, जो कि एक समय हुआ करता था जब इसका कोई इलाज नहीं हुआ करता था। पर आप आज अगर ये बीमारी समय से डायग्नोस हो जाती है और समय से इसका इलाज शुरू हो जाता है तो इसके बहुत ही अच्छे परिणाम आते हैं और जिस व्यक्ति को ये बीमारी है वो इससे पूर्ण रूप से निजात पा सकता है। ट्यूबरक्लोसिस कई स्थानों की हो सकती है। जो प्रमुखता स्थान शरीर में जहाँ की ट्यूबरक्लोसिस होती है वो है फेफड़े, पेट या गर्दन में टीबी की गांठें। ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर टीबी प्रमुखता से पाई जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्भवती महिलाओं की जिनको की ट्यूबरक्लोसिस है। आपके मन में सवाल उठता है कि यदि किसी महिला को ट्यूबरक्लोसिस है और वो उसका इलाज ले रही हैं तो क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं? इसके जवाब में मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके अगर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं तो वो आप उसको अवॉइड करें तो उचित रहेगा। उचित यही होगा कि आप टीबी का पूरा ट्रीटमेंट ले लें, उसके बाद आप गर्भधारण करें या उसके लिए प्लानिंग करें। पर मान लीजिए गर्भधारण हो जाता है, यदि तो आप टीबी की दवा पहले से ही ले रहे हैं तो आपको डॉक्टर को सूचित करना पड़ेगा और हो सकता है कि डॉक्टर आपके कुछ दवाओं में बदलाव करे। तो टीबी की कुछ दवाओं का असर शिशु पर होता है जो कि उन्हें कंजेनाइटल एनोमलीज या तो बाय बर्थ जो डिफेक्ट होते हैं उनके होने की संभावना ज़्यादातर रहती है। यदि गर्भावस्था के दौरान टीबी हुआ हो तो डॉक्टर उन टीबी की दवाओं में बदलाव करता है। हम जानते हैं टीबी में प्रमुखता से चार दवाएं चलती हैं, INH, रिफेम्पेसिन, पाइरिजिनामाइड, इथम्ब्यूटॉल। ये दवाएं हैं चार जो प्रमुखता से चलती हैं। पर यदि टीबी डायग्नोस हो जाता है तो डॉक्टर पूरी कोशिश करता है कि जो पाइरिजिनामाइड दवा है वो माँ को ना दिया जाए क्योंकि इसके बच्चे पर बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम होते हैं। इसके साथ ही एक इंजेक्शन जो बहुत ही कॉमनली टीबी के मरीजों को लगाया जाता है जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन या उससे मिलते जुलते कैनामाइसिन, इस तरह के जो इंजेक्शन है वो भी डॉक्टर नहीं लगाना चाहता है क्योंकि इसका भी शिशु पर बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम होता है और कंजेनाइटल एनोमली इसमें इससे हो सकती है। तो जो सेफ दवाएं हैं वो INH, रिफेम्पेसिन और इथम्ब्यूटॉल है। इसके साथ ही जब INH देते हैं तो पाइरिडॉक्सिन की कमी हो जाती है तो साथ में आपको डॉक्टर पाइरिडॉक्सिन देना चाहता है। हम जानते हैं कि पेट की टीबी कई तरीकों से प्रेजेंट कर सकती है और गर्भावस्था के दौरान जैसे जैसे गर्भ बढ़ता है उसका दबाव ऊपर पेट पे पड़ता है और सारी आंतें वायरस सिकुड़ के ऊपर की तरफ आने लगती हैं। तो हाँ, आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन जरूर रखना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको पेट की टीबी है और आपने गर्भधारण कर लिया है तो आप अपने डॉक्टर से एक निश्चित समय पर अवधि पर डॉक्टर से मिलते रहिए और कोई भी अगर आपको सिम्टम होते हैं, कोई भी आपको परेशानी होती है तो तत्काल आप अपने डॉक्टर को सूचित कीजिए कि इस तरह की आपको समस्या है जिससे कि आप उसका इलाज ले सकें। कभी कभी कुछ महिलाओं में पाया जाता है कि उनको पेट की टीबी है जिससे काफ़ी ज़्यादा समस्या उनको उत्पन्न हो जाती है। ऐसे समय पर ये उचित रहता है कि उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाए, नहीं तो वो बच्चे के लिए तो हानिकारक रहती है, वो माँ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकती है। वैसी स्थिति में आपके डॉक्टर चाहेंगे कि आपको उस प्रेगनेंसी को गिरवा दिया जाए या मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर दिया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप समय रहते उसको टर्मिनेट करा दीजिए क्योंकि शिशु या तो गर्भ में शिशु जितने ज़्यादा अवधि का होगा उतनी ही फिर गर्भपात कराने में समस्या उत्पन्न होती है। तो ज़्यादातर समय में हम देखते हैं कि आप प्रेगनेंसी के साथ
टीबी अगर है तो उसके साथ आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, पर काफ़ी समय में आपको अगर आपको समस्या ज़्यादा है तो उसको टर्मिनेट कर देना ही एक उचित सॉल्यूशन उसका रहता है। गर्भ के संबंध में ट्यूबरक्लोसिस में और भी कई सारे प्रश्न आपके मन में आते हैं कि शिशु का इस पर क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है। हो सकता है शिशु जो आपका जो शिशु पैदा हो उसका वजन कम हो, इसलिए डॉक्टर की देखरेख में डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार आप पौष्टिक आहार निरंतर आप उसको लेते रहिए जैसा डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, जिससे कि इसका टीबी के दवाओं का असर कम से कम शिशु में पड़े। एक बार डिलीवरी हो जाती है तो अगला प्रश्न ये मन में आता है, क्या मांस के में जो ट्यूबरक्लोसिस है क्या वो बच्चे में जा सकती है? ऐसा बहुत ही रेयर होता है, पर इस संभावना से पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता कि गर्भवती माँ से ट्यूबरक्लोसिस बच्चे में नहीं ही जा सकती है। एक बार शिशु जब पैदा हो जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले शिशु में जो टीबी के लक्षण आते हैं वो उसके लीवर में आते हैं, इसलिए डॉक्टर लीवर फंक्शन टेस्ट करके देख लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर लीवर स्कैन करते हैं या जरूरत पड़ने पर लीवर बायोप्सी करके देख लेते हैं कि कहीं टीबी के वजह से उसके लीवर में कोई दुष्परिणाम तो नहीं आ रहा है। इसके अलावा डॉक्टर अगर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो डॉक्टर बच्चे का चेस्ट एक्सरे कराना चाहते हैं, वो आपका 1.5 महीने में 3 महीने में और 6 महीने में डॉक्टर एक्सरे करा के देख लेते हैं कि किसी तरह के कोई सिम्टम या टीबी के लक्षण शिशु में आ तो नहीं रहे हैं। यदि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं तो मान लिया जाता है कि बच्चे को ट्यूबरक्लोसिस होने की संभावना अब नहीं है और 6 महीने के आसपास बच्चों को BCG का इंजेक्शन लगा करके और पूरी तरीके से उसको बच्चे को प्रोटेक्ट कर लिया जाता है। अब अगला प्रश्न उठता है मन में कि जब जिन गर्भवती महिलाओं जिनको टीबी है और शिशु हो गया है क्या वो उसको ब्रेस्ट फीडिंग या दूध पिला सकती हैं? देखिए, अगर आपको टीबी पहले से ही डायग्नोस है और आप दवा ले रहे हैं तो आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड यकीनन आप करा सकती हैं। एक दवा INH है, वो आपके जो माँ के दूध से बच्चे में भी जाता है, पर वो बहुत ही कम मात्रा में 20% मात्रा में ही वो बच्चे में जाता है। पर हाँ, अगर किसी माँ को एक्टिव टीबी है, जैसे बलगम में अगर टीबी के कीटाणु आ रहे हैं या तो हाल फिलहाल में ही टीबी डायग्नोस हुई है या तो बच्चे के जन्म के बाद जिस पर टीबी डायग्नोस हुई है, तो बेहतर रहेगा कि आप शिशु को दूध ना पिलाएं, उसको किसी टॉप फीड पर रख लें। पर जो महिलाएं पूर्व से ही टीबी की दवा ले रही हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो उस दिन की टीबी की खुराक को लेने से पहले बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा दें, उसके बाद वो टीबी की डोज लें और आगे की जो फीड है वो टॉप फीड बच्चे को दें, इससे बच्चा जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। कुछ कुछ डॉक्टर बच्चे को भी प्रोटेक्ट करने के लिए INS 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से बच्चे को INH मात्र केवल INH लो डोज में बच्चे को साथ साथ में देते हैं, जिससे कि टीबी के किसी भी तरह से होने वाले असर से बच्चे को बचाया जा सके, या तो उनमें जो कि ब्रेस्ट फीड करा रही हैं और बाद में पता चलता है कि माँ को टीबी है तो फिर वो बच्चे को भी एक प्रोटेक्टिव डोज INS के डोज में बच्चे को ले लिया जाता है। पर उचित यही रहता है कि अगर एक्टिव टीबी है, बलगम में टीबी के कीटाणु आ रहे हैं, तो माँ जो हैं ऐसी माएँ जो हैं वो बच्चे को स्तनपान ना कराएं तो ही ये उचित रहेगा, नहीं तो वो बच्चे में काफ़ी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो यदि आपको प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको टीबी हो गई है या डायग्नोस हो गई है तो आप इन सब बातों का अवश्य ख्याल रखेंगे, जिससे कि आप भी और आपका शिशु दोनों पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मैं इसी तरह से निरंतर कई सारे वीडियो लेकर के आपके लिए आता रहूँगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।